नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है जनगणना कार्यक्रम को जो स्थगन कर दिया गया है, जिसे रोक दिया गया है, उसी से संबंधित है आपका। तो इसमें हम लोग बात करेंगे किस संदर्भ में है उसे भी देख लेंगे, और रोकने के क्या कारण है उसे भी हम लोग देखेंगे। जनगणना से आखिर तात्पर्य क्या होती है, आखिर जनगणना होती क्या है उसे भी हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक कालक्रम क्या है जनगणना का उसे भी हम लोग देखेंगे, और जनगणना की प्रक्रिया क्या है आखिर उसे भी देखेंगे, और जो आपकी 2021 की जनगणना होनी है इसकी विशेषताएं क्या है इसकी उसे भी देखेंगे, और इसी पक्ष में हम लोग चुनौतियां देखेंगे और समाधान देखेंगे, ठीक है, और इसका महत्व क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किस संदर्भ में एक आर्टिकल लिखा गया है। किसी भी देश की नीति निर्धारण के लिए देश के नागरिकों की सही संख्या का पता होना बेहद आवश्यक है। आप लोग अपने घर की स्थिति को भी जान सकते हैं। अगर घर में अच्छे से कुछ भी खाना बन रहा है, अगर कुछ भी कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें अगर पता ही नहीं चले आपको कि हमारे परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं, तो हम उनके लिए क्या कार्यक्रम बना सकते हैं। तो इसी तरह किसी भी देश की नीति का होता है, क्योंकि हर देश की जनसंख्या के आधार पर ही आपकी नीति बनती है, ठीक है। मालूम चला कि आपके घर में मेंबर है 15 और खाना बना दिया जाए 10 का, कैसे चलेगा। तो इसलिए हर काउंटिंग बहुत जरूरी होती है। सामाजिक आर्थिक जानकारी के सही आंकड़ों के आधार पर कमजोर से कमजोर व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है, और प्रत्येक वर्ग के लिए सही नीति बनाई जा सकती है। विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका भारत है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना का आयोजन किया जाता है। इससे पहले आपकी 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी है। वर्ष 2021 में जनगणना का आयोजन 2 चरणों में किया जाना है। इसके प्रथम चरण का आयोजन 1 अप्रैल 2020 से प्रस्तावित था, लेकिन जो आपकी वैश्विक महामारी छाई हुई है COVID-19 के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण जनसंख्या संबंधी जो आपकी गतिविधियां हैं ये ठप हो गई हैं, रोक दी गई हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया पर भी पड़ा है। याद रहे कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का अद्यतनीकरण डेटा जनगणना 2021 के प्रथम चरण के आंकड़ों के साथ विकसित किए जाने का विचार था। अब बात करते हैं रोकने के कारक क्या हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। वैश्विक महामारी जो आपकी फैली हुई है COVID-19 मानव से मानव में स्थानांतरित होने वाली बीमारी है, जिसके कारण प्रत्यक्ष जनसंपर्क संभव नहीं है। जनगणना व राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया प्रत्यक्ष जनसंपर्क पर आधारित है, जो इस समय बीमारी के स्थानांतरण का कारण भी बन सकती है। इस वैश्विक महामारी से निपटने में केंद्र के साथ सभी राज्यों की पूरी प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त है, जिससे मानव संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इस संकट से निपटने की सरकार को बड़ी संख्या में धन की आवश्यकता है। जनगणना करने पर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतनीकरण की प्रक्रिया में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कितना? 13,000, जो इस समय सरकार पर अनावश्यक वित्तीय दबाव उत्पन्न करेगा। इसलिए भी एक कारण ये भी है रोकने का। जनगणना कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सरकार द्वारा इस महामारी के रोकथाम हेतु की गई लॉकडाउन की व्यवस्था भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो सकती है। अब बात करते हैं जनगणना से तात्पर्य क्या है आपका। जनगणना वह प्रक्रिया है जिसके तहत एक निश्चित समय अंतराल पर किसी भी देश में एक निर्धारित सीमा में रह रहे लोगों की संख्या, उनके सामाजिक
सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा कर उनका अध्ययन किया जाता है तथा संबंधित आंकड़ों को विकसित किया जाता है। भारत अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। जनगणना देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जनसंख्या आदि से संबंधित आंकड़ों के माध्यम से नागरिकों को देश की विविधता और इससे जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की बात करें तो यह देश के सामान्य निवासियों की एक सूची जो नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत स्थानीय, उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। कोई भी व्यक्ति जो 6 महीने या उससे अधिक समय से भारत में रह रहा है या अगले 6 महीने या उससे अधिक समय तक यहाँ रहने का इरादा रखता है तो उसे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। देश के नागरिकों की पहचान का डेटाबेस एकत्रित करने के लिए वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पंजीकरण कराना भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए अनिवार्य है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अद्यतन करने के लिए 21 बिंदुओं के आधार पर डेटा एकत्रित किया जाएगा। जबकि वर्ष 2010 तक का राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 15 बिंदुओं के आधार पर एकत्रित आंकड़ों के अनुसार तैयार किया गया। इसका ऐतिहासिक कालक्रम की बात करें तो जनगणना सर्वप्रथम प्राचीन साहित्य आपका जो ऋग्वेद है 800 से 600 ईसा पूर्व में जनगणना का उल्लेख किया गया। तो याद रखिए 800 से 600 ईसा पूर्व में आपका जनगणना का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र लगभग 321 से 296 ईसा पूर्व में कराधान के उद्देश्य से जनगणना को राज्य की नीति में शामिल करने पर बल दिया गया है। मुगल काल में अकबर के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट आईने ए अकबरी में जनसंख्या, उद्योगों और समाज के अन्य पहलुओं से संबंधित विस्तृत आंकड़ों को शामिल किया गया था। भारत में पहली जनगणना की गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में वर्ष 1872 में की गई थी। हालांकि देश की पहली जनगणना प्रक्रिया को गैर समकालीन देश के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर रूप से पूर्ण किया गया और वर्ष 1881 में पहली बार पूरे देश में एक साथ जनगणना कराई गई थी। तो याद रखिए पहली बार आपकी 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में और नियमित रूप से आपकी शुरू ही 1881 से लॉर्ड रिपन के काल से। ठीक, जनगणना 2021 तक अब तक की 16वीं व आप स्वतंत्रता के बाद से 8वीं जनगणना होगी आपकी। ठीक है, बात करते हैं जनगणना की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में। जनगणना में शामिल प्रश्नावली इस प्रक्रिया का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रश्नावली में नाम, लिंग, जन्म तिथि, शिक्षा, आय व आय के साधन, वैवाहिक स्थिति जैसे मूलभूत प्रश्न शामिल किए जाते हैं। इसमें शामिल प्रश्नों की सहायता से सरकार नागरिकों के जीवन से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित करती है। यदि इन प्रश्नों में नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से शामिल किया जाए तो ये प्रश्न जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को और अधिक बढ़ा देते हैं। जनगणना 2021 की प्रक्रिया का निष्पादन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण आपका होगा जनगणना के पहले चरण में जनगणना कर्मियों को 1 अप्रैल 2020 से सितंबर माह तक के बीच घर घर जाकर घरों और उनके उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करना था। जैसा कि आपको पता होगा फिर कोविड-19 के महामारी के कारण इस चरण को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। दूसरा चरण, जनगणना के दूसरे चरण में
9 से 28 फरवरी 2021 तक पूरे देश में लोगों की गिनती का कार्य संपन्न किया जाएगा। बात करते हैं जनगणना 2021 की विशेषताएं हैं, कुछ उन्हें देख लेते हैं। डिजिटल प्रक्रिया, देश की जनगणना के इतिहास में पहली बार जनगणना के आंकड़ों को मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में एकत्रित किया जाएगा। यह ऐप बिना इंटरनेट के ऑफलाइन भी काम करेगा। इस व्यवस्था से जनगणना प्रक्रिया में होने वाले विलंब की समस्या को दूर किया जा सकेगा और जनगणना के परिणाम तुरंत प्राप्त किए जा सकेंगे, जबकि पिछली वर्षों में हुई जनगणना के आंकड़े के मूल्यांकन और इससे जुड़ी रिपोर्टों को विकसित करने में वर्षों लग जाते थे। जनगणना निगरानी और प्रबंधन पोर्टल, जनगणना की प्रक्रिया को आसान बनाने एवं इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जनगणना निगरानी और प्रबंधन पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से जनगणना में लगे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को कम समय तथा अलग अलग भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। जाति आधारित जनगणना नहीं, आगामी जनगणना में जातिगत जानकारी नहीं मांगी जाएगी। यद्यपि जनगणना 2011 में के समांतर ही सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना भी की गई थी, परंतु इससे प्राप्त आंकड़ों जानकारियों को अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। ट्रांसजेंडरों की पहचान, वर्ष 2021 में जो जनगणना होगी इसमें पहली बार ट्रांसजेंडरों समुदाय के लोगों की जानकारी उनकी पहचान के साथ दर्ज की जाएगी। पूर्व की जनगणना में केवल महिला या फिर पुरुष का विकल्प शामिल किया जाता था, लेकिन इस बार आपका ट्रांसजेंडर का भी विकल्प आ चुका है इसमें। चुनौतियां क्या है उसे भी देख लेते हैं। जनगणना से संबंधित किसी भी प्रक्रिया में दो प्रकार की त्रुटियां की संभावना होती है, एक कवरेज से संबंधित, दूसरे आंकड़ों से संबंधित। अतः जनगणना के दौरान ऐसी त्रुटियों पर ध्यान देने की अति आवश्यक है। कई बार अनेक भ्रांतियां अशिक्षा के कारण या सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने के भय से, जैसे वर्तमान में नागरिकता से जुड़ा भ्रम, एक लोग जनगणना में सही जानकारी नहीं दर्ज कराते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोगों के मन में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के संबंध में जानकारी जुटाने को लेकर कुछ आशंकाएं थी और कई मौकों पर लोगों ने सर्वेक्षण में इस संदर्भ में उत्तर नहीं दिए। जनगणना की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कर्मचारियों के योगदान की आवश्यकता के साथ ही प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का आवंटन किया जाता है। सरकारी अनुमान के अनुसार जनगणना 2021 की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 9000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जनगणना प्रक्रिया में आंकड़े एकत्र करने के लिए डिजिटल माध्यम के प्रयोग से जनगणना के दौरान प्राप्त आंकड़ों के मूल्यांकन में अवश्य ही तेजी आएगी, परंतु डिजिटल प्रक्रिया की भी अपनी सीमाएं और चुनौतियां हैं। अतः जनगणना के दौरान प्राप्त आंकड़ों की सुरक्षा और इसके भंडारण तथा बैकअप पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होगी। इसके समाधान क्या है तो उसे भी देखते हैं। जनगणना प्रक्रिया में शामिल प्रगटकों व अन्य कर्मचारियों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही प्रगटकों को जनगणना हेतु प्रेरित उत्साहित करने के लिए उन्हें समय पर उचित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रगटक ही पूरी जनगणना प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होते हैं। अतः किसी भी प्रगटक के संतुष्ट होने की स्थिति में डेटा की गुणवत्ता में बाधा आ सकती है। जनगणना कार्यक्रम की पहुंच और प्राप्त डेटा में त्रुटियों को कम करके डेटा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। इससे न सिर्फ जनगणना में एकत्रित आंकड़ों की विश्वसनीयता में वृद्धि होगी, बल्कि इससे सरकार को योजनाओं में अपेक्षित बदलाव करने में मदद मिलेगी। समाज में जनगणना के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाना चाहिए। लोगों को जनगणना के महत्व के प्रति जागरूक और शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियानों में स्थानीय राजनीतिक
और धार्मिक नेताओं, छात्रों आदि को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही जनगणना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों जैसे नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया जा सकता है। इसका महत्व क्या है जनगणना का? जनगणना बेहद स्तर पर आंकड़े एकत्रित करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके तहत देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, जो देश की नीति निर्माण के साथ कई अन्य उद्देश्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए गए आंकड़ों का प्रयोग शासन, प्रशासन, योजनाओं और नीतियों के निर्माण तथा उनके प्रबंधन के साथ सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, निजी एवं व्यवसायिक निकायों द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन आदि में होता है। जनसांख्यिकी अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान और कई अन्य क्षेत्रों के विद्वानों तथा शोधार्थियों के लिए भारत की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। जनगणना से प्राप्त आंकड़े जमीनी स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए उपलब्ध होते हैं, जिससे क्षेत्र विशेष के विकास हेतु आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं। वित्त आयोग राज्य के लिए अनुदान का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर करता है। ऐसे में जनगणना से प्राप्त जनसंख्या संबंधी ये आंकड़े राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही लोकसभा, विधानसभा एवं स्थानीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। तो ये था आपका जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, ठीक है।